नमस्कार। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सिल्वर। जी हाँ, एक ऐसी धातु जो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिल्वर एक ऐसी मेटल है जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर हम चांदी को पहनते हैं तो उससे हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है। आपने अपनी दादी को भी देखा होगा, अपनी नानी को, अपनी मम्मी को भी देखा होगा कि वे पैरों में बड़ी 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 चांदी की पायल पहनती थी, बिछिए पहनते थे बहुत मोटे मोटे। ये ऐसा नहीं है कि वे ऐसे ही पहनते थे, हो सकता है उनको इसका साइंटिफिक रीजन ना पता हो, लेकिन ये हमारी बहुत ही पुरानी प्रथा चली आ रही है कि हमारे यहाँ चांदी से बनी हुई पायल, बिछिए, कड़े पैरों में पहने जाते हैं। लेकिन आजकल आप देखेंगे चांदी की पायल पहनना कोई पसंद नहीं करता है और बिछिए भी नहीं पहनती है। मैरिड वुमेन्स को देखेंगे कि वो बिछिए पहनना पसंद नहीं करते हैं। इसके पीछे वो कुछ भी रीजन दे सकते हैं। अगर उनको पता चले कि पायल पहनने से कितने लाभ होते हैं तो शायद वो आज से ही पायल पहनना शुरू कर दें और पैरों में बिछिए पहनना शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है उनका ध्यान ना गया हो, उनको इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है उनको ना पता हो। चलिए आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा जान लेते हैं कि चांदी से बने बिछिए और पायल हमारी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। राजा महाराजा पहले चांदी से बने बर्तनों में खाना खाते थे। कुछ घरों में अभी भी रिवाज है कि छोटे बच्चों को चांदी की चम्मच से खाना खिलाया जाता है, क्योंकि चांदी से इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चों की जो बोन्स हैं वो स्ट्रोंग बनती हैं। इसीलिए हमारे देश में, मैं ये कहूंगी कि हमारे भारत में जो भी रिवाज चले आ रहे हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। इन सब चीजों के प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, जिनको अब साइंस प्रूव कर रही है। चलिए हम समझ लेते हैं कि चांदी से बने आभूषण हमें क्यों पहनने चाहिए। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं चांदी से बनी जैसे पायल हो गई, बिछिए हो गए, जैसे आप राजस्थान साइड में जाएंगे वहां पर चांदी से बने कड़े पैरों में पहने जाते हैं, मोटी मोटी हंसली पहनते हैं, मतलब उधर चांदी से बनी मोटी मोटी चीजें पहनी जाती हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि चांदी को कमर से नीचे पहना जाता है और जो गोल्ड है वो कमर से ऊपर पहना जाता है। इसके पीछे भी ऐसा रीजन माना जाता है कि जो चांदी है, चांदी ठंडी होती है और हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो मिट्टी है वो भी ठंडी होती है, और चांदी मिट्टी से एनर्जी को लेती है और उसको हमारी बॉडी में भेज देती है, जिससे हमारी बॉडी में पॉजिटिविटी बढ़ती है। चांदी को पहनने से पैरों में सूजन नहीं होती है, पैरों में दर्द नहीं होता है, ये मैंने भी देखा है। मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, फिर मुझे बताया कि पायल पहनने से पैरों में दर्द नहीं होता है। फिर मैंने पायल पहनना जैसे ही शुरू किया, विद इन 15 डेज मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। पायल पहनने से पैरों में सूजन भी नहीं होती है, कमर में दर्द नहीं होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेडीज में हॉर्मोन्स इम्बेलेंस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आजकल लेडीज पायल पहनना और बिछिए पहनना पसंद नहीं करती हैं, और ये हो सकता है ये भी उसका एक रीजन हो कि उनके हॉर्मोन्स इम्बेलेंस रहते हैं। और चांदी पहनने से हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। मैं ये कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि इंग्लैंड, टोक्यो, जापान और कई जगह पर चांदी पर अनेक रिसर्च हुई है, क्योंकि शास्त्रों में तो इन सब के प्रमाण मिलते ही हैं और इन पर रिसर्च भी हो चुकी है, इसीलिए ये सब मैं आपके सामने बता रही हूँ। चांदी लेडीज के लिए ज्यादा अच्छी बताई गई रिसर्च में ऐसा माना गया है कि घुंघरू वाली पायल पहनने से नेगेटिविटी दूर होती है। हमारे आयुर्वेद में भी कुछ समस्याओं के लिए रजत भस्म दी जाती है। रजत मीन्स चांदी ही होता है, वो भस्म चांदी से बनी होती है। ज्योतिष शास्त्र की अगर हम बात करते हैं, जिन लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, गुस्सा ज्यादा आता है, उनको ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग चांदी पहनने की सलाह दी जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग सबसे छोटी उंगली में चांदी में बनी मोती की अंगूठी पहनते हैं, वो चांदी में ही पहनी जाती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि चांदी पहनने से जो हमारा मन है वो बैलेंस रहता है, माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। हर तरीके से आप उठाकर देख लीजिए, आप इसको साइंटिफिक वे में देख लीजिए, ज्योतिष के अकॉर्डिंग देख लीजिए और हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देख लीजिए और हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिए, चांदी के बहुत ही ज्यादा लाभ होते हैं। इसीलिए हमें चांदी पहननी चाहिए, क्योंकि चांदी की पहनने से हमारी बॉडी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। आपने शरद पूर्णिमा के बारे में भी सुना होगा, शरद पूर्णिमा पर चांदी की कटोरी में खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाती है, क्योंकि चांद की किरणें उस चांदी की कटोरी में रखी जो खीर है उस पर पड़ती है और उसके गुण और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन जो चांदी की कटोरी में खीर रखी जाती है वह अमृत के समान होती है, इसलिए वह खीर सबको खानी चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आप सबको मैं चांदी के फायदे बताऊं।
आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।